हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। सो आज संडे स्पेशल के अंदर आप बच्चों के लिए क्लोज टेस्ट है। जिन स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम देना 2024 में, चाहे वो CHSL देने वाले हैं या CPO देने वाले हैं या CGL या फिर MTS, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर 5 क्वेश्चन फिक्स हो गए हैं। प्री के अंदर अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट की, मेन्स में भी आता है क्लोज टेस्ट, प्री में भी फिक्स हो गया है। क्लोज टेस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो एक सीरीज़ जो एसएससी बुलेट पे चल रही है क्लोज टेस्ट की, और आई होप जैसे आप बच्चों के मैसेज मिलते हैं कि मैम इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली है, इम्प्रूव हो रहा है क्लोज टेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई क्लास ले रही हूँ और आप बच्चों को हेल्प मिल रही है और कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल भी रही है आप बच्चों के लिए। तो अगर हम बात करें आज की क्लास के अंदर, मैं आपको अगेन कुछ प्रीवियस, क्योंकि मैं जितने भी क्लोज टेस्ट कराती हूँ ये सब आपके PYQs होते हैं, अगेन आज हम कुछ और नए क्लोज टेस्ट करेंगे जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। अगर बात करें इंग्लिश फाउंडेशन बैच की, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे SSC बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। बैच की वैलिडिटी की बात की जाए तो 1 ईयर है। इसके अलावा आप बच्चे अगर चाहते हैं मॉक टेस्ट की सीरीज लगाना, तो आप बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हैं SSC बुलेट एप्लीकेशन पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं अभी थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी ताकि आप बच्चे पढ़ सको ध्यान से पैराग्राफ क्या दे रखा है। ठीक है, चलेगा। बात हो रही है जब भी क्लोज टेस्ट को करो तो आपको हमेशा एलिमिनेशन मैथड को यूज करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो भी आप आंसर को टिक करेंगे वो हमेशा करेक्ट ही होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बात हो रही है लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक किस पर, एट द प्लैनेट डैश विच वी लिव। अब बात हो रही है विच वी लिव, रहने की बात हो रही है, और किस प्लैनेट पे रहने की बात हो रही है, तो प्लैनेट की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रेपोजिशन आप यूज करेंगे, फॉर को यूज करेंगे, ऑन को यूज करेंगे, बाय को या फिर फ्रॉम को, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगा। जैसे हम कोई भी पेन होता है तो पेन से लिखते हैं, तो फिर हम वहां पे विद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विद एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। एक पेन से मैं लिख रही हूँ, अभी मैं एक पेन से लिख रही हूँ तो मैं विद का यूज करती हूँ, है ना। बट हम रहने की बात करें किसी भी प्लैनेट पे, तो यहाँ पे लिव के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन ऑन। क्या लगाना बचेगा बच्चों को, क्या लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन ऑन। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लिव को देखे प्रेपोजिशन ऑन, ठीक है, लुक एट द प्लैनेट ऑन विच विल लिव, जिस पर हम रहते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। एज द अर्थ हर्डल्स टू स्पेस एट अ डैश 70,000 miles per hour। अब ये 70,000 miles per hour क्या है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, स्पीड है या मास। बिल्कुल सही है, ये 70,000 miles per hour ये उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। इट स्पिन्स एज वी ऑल नो on its axis dash causes it to be flattened at the poles। अब बात हो रही है कि हम सब क्या जानते हैं, किस चीज को जानते हैं कि वो बिल्कुल flattened है, कहाँ पे, poles पे। तो which, where, that या who, हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि कॉज में एस लग रहा है तो कॉजेस की बात की जा रही है, तो कॉजेस मतलब वो, और वॉफ से पहले आपको देखना है हम क्या यूज करेंगे, विच, वेयर, दैट। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। वेयर का यूज होता है वहां जब हम प्लेस की बात करें, किसी भी जगह की बात करें। हु आता है सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में आएगा जब हम बात करेंगे पर्सन की। और जो विच है ये भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन जब आप बात करेंगे थिंग्स की या फिर एनिमल्स की तो उस केस में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉजेज आपकी वर्ब है,
और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर विच बोल रहे हैं, विच कॉजेस, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। डज इफ यू डैश टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल यू वुड बी 30 miles नियरर द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहां पर आपको चेक करना है यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, ठीक है? आर, वॉज, वर या फिर हाँ। मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस कराया था, मैंने आपसे बोला था कि जितने भी जिन स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं लिए हैं वो एक बार ज़रूर लिस्ट में जाके कंडीशंस की क्लासेस ले ले। मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्लोज टेस्ट केवल रीडिंग बेस्ड नहीं होता, इसमें ग्रामर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है, वुड बी कंडीशन टू वाला केस है, और कंडीशन टू कहता है जहाँ इमेजिनेशन होता है। अभी वहाँ आप खड़े नहीं, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है कि इफ यू डैश, अगर आप खड़े हैं कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे, तो आप ये समझ लो कि 13 miles नियरर हो किसके, सेंटर ऑफ द अर्थ के। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वर्ब बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फिफ्थ ब्लैंक के लिए। डैश यू स्टूड ऑन द इक्वेटर देन फ्रॉम वेयर या फिर वेन। अगेन इसमें हमें कोई भी वोकैब की जरूरत है नहीं, हमें किसकी जरूरत होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ग्रामर की। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे जरा, हमें यहाँ पे किसी भी वोकैब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इजली देख सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है, नियरर, ई आर, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, है ना, नियरर की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। और जहाँ भी कंपैरिजन की बात की जाएगी वहां पर हम क्या लिखेंगे, टी एच ए एंड देन कंपैरेटिव कनेक्टर देन, देन इफ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर, देन इफ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे। कैनेडा की बात की जा रही है, 3 times द साइज ऑफ इंडिया, डैश इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 million, ठीक है? मतलब कंपैरिजन हो रहा है ना। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि वो 3 times है इंडिया के साइज में, लेकिन जो उसकी पॉपुलेशन है वो लगभग केवल अराउंड कितनी है, अबाउट 26 million ओनली, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सो आएगा, बट आएगा, अंटिल आएगा या बिकॉज आएगा। देखो जरा कौन सा कनेक्टर आप यूज करेंगे, सो, बट, अंटिल या फिर बिकॉज। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी अच्छी हम बोल रहे हैं 3 गुना साइज उसका, 3 गुना है ना साइज की बात। अब हमने एक विपरीत उस पर बात करी, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले, है ना, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है केवल 26 मिलियन है। तो जहां पर भी आप अपोजिट उसकी बात करोगे तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, कंजंक्शन बट का यूज करोगे, ठीक है? क्योंकि अंटिल आता है टाइम के लिए, ठीक है? और अगर हम बात करें बिकॉज, जब आप कोई रीजन समझा रहे हो, कोई रीजन बता रहे हो, वहां यूज करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बट इज द करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या आएगा। द एवरेज डैश ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये क्या है, डेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, कंसिस्टेंसी है या क्वांटिटी है? हम एवरेज घनत्व बोलते हैं ना, जनसंख्या घनत्व की जब बात करते हैं, डेंसिटी, हाँ बिल्कुल सही है। जो उसकी एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो लेस देन है 3% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? बिल्कुल सही है, डेंसिटी इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डेंसिटी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, स्क्वायर किलोमीटर डैश कैनेडा, कैनेडा से पहले कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? जब भी आप प्लेसेस की बात करते हो तो वो कौन सी प्रेपोजिशन को लेकर आएगा, इनटू
ऑन, इन या फिर एट, कौन सी प्रपोजिशन को लेकर आएगा? इनटू को लेकर आएगा, ऑन को लेकर आएगा, एट को लेकर आएगा या इन को लेकर आएगा? यहां पर हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? इनटू, ऑन, एट या फिर इन? बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही है। इन कनाडा, इन कनाडा, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर इन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर। इज हाईली डैश कैसी है? डिफर, इनफ्रिक्वेंट, अनइवन या फिर रफ? जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वो हाईली कैसी है? डिफर कर रही है, इनफ्रिक्वेंट है, रफ सी है या फिर अनइवन? असमान की बात की जा रही है ना, अनइक्वल की बात की जा रही है, इक्वली नहीं है, है ना, इक्वली नहीं है, अनइक्वल है, बिल्कुल सही है। अनइवन इज द करेक्ट वन, इक्वल नहीं है वो। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्लैंक के लिए, जरा चेक करो। नियरली जो 80% है लोग डैश इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर, द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज अ वेरी फास्ट पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। अब बात हो रही है जो 80% है लोग वो लिव, रिमेन, सर्वाइव या फिर सबसिस्ट की बात कर रहे हैं, किस केस में यूज करेंगे? जो कहीं ना कहीं एक नैरो बेल्ट में रहते हैं लेस देन 300 किलोमीटर, ठीक है, और जितना बाकी रेस्ट ऑफ द जो कंट्री है, ठीक है, पॉपुलेशन, अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है के कारण। तो आप देखोगे कि 80% जो लोग हैं वो रहते हैं एक नैरो बेल्ट में जो लेस देन है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो लिव, लिव इज द करेक्ट, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर लिव बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जाते हैं, इट वॉज अ कूल एंड विंडी डे, शेला, जोरा, लांबा एंड आई डैश अवर वे आर वे टू द पार्क टू प्ले ऑन द स्लाइड्स। अब आपको चेक करना है वर के साथ आप क्या यूज करोगे, ऑन, टू, इन या फिर बाय, यानी कि कौन सी प्रपोजिशन को आप यूज करोगे। बहुत ही ठंडे और होता ना जब आंधियां तूफान आ रहे होते हैं ना, चल रही होती है विंड्स, चल रही होती है, उन दिन की बात कर रहे हैं। तीनों ही लोग, तीनों नहीं चारों ही लोग कहाँ थे? रास्ते पे थे, ठीक है, टू प्ले ऑन द स्लाइड्स। तो यहां पर वर और वे की बात कर रहे हो तो वे के लिए हम कौन से प्रपोजिशन को यूज करेंगे? ऑन, बिल्कुल सही है। कौन से प्रपोजिशन को यूज करेंगे? ऑन को, ठीक है, ऑन द वे, क्या यूज करेंगे हम? ऑन द वे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए। अब ऑन अवर वे, देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी उसी लाइन में लिखा था, ऑन आवर वे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। बात हो रही है ऑन आवर वे डैश, हमारे वे पर। अब उसमें क्या हुआ आपको देखना है, जरा व्हेन आएगा, देयर आएगा, वेयर आएगा या देयर आएगा? देखेंगे जरा क्या आएगा। वेयर आता है प्लेस को लेकर, भाई कहाँ जा रहे हो, और देयर आपका एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, है ना, जो नाउन से पहले आता है, और वेन समय के लिए आता है। तो यहां से हम इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? देयर। देयर क्या है? शैला ज्योति डैश समथिंग स्टक टू हर शू, थॉट, फेल्ट, फाउंड या हैड। अब उसको ऐसा क्या हुआ, महसूस हुआ, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने पाया कि कोई चीज उसके शूज में फंस गई है,
ऐसा उसे क्या हुआ होगा? ये आमतौर पे आप लोगों के साथ भी होता है, होता होगा ऐसा, जब आप रोड पे चल रहे हो तो कुछ भी चीज अगर पैर में फंसी है, शूज में फंसी है, किसी में फंसी है, तो आपको पता चल जाती है, महसूस हो जाती है कि कुछ ना कुछ फंस गया है ना? तो ऐसा ही कुछ वहां पे उसको भी हुआ कि कोई ना कोई उसके शू में चीज फंस चुकी है, ठीक है? तो ऐसा उसको वहां पे क्या हुआ, महसूस, ऐसा उसने महसूस किया कि कोई ना कोई चीज उसके शूज में आके फंस गई है, तो ऐसा उसे महसूस हुआ, फेल्ट। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो, मस्ट बी अ डैश ऑफ च्युइंगम और समथिंग, पैकेट, पीस, पार्ट या फिर ब्लॉक। अब उसने क्या सोचा कि वो क्या होना चाहिए, च्युइंगम या फिर कुछ और, च्युइंगम या फिर कुछ और, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, तो मस्ट बी अ डैश ऑफ च्युइंगम और समथिंग। तो वो पैकेट होगा, पीस होगा, पार्ट होगा या फिर ब्लॉक होगा। बिल्कुल सही है, उसने सोचा कि कुछ चीज फंस गई है और होना चाहिए क्या, चिंगम का कोई पीस होगा, टुकड़ा होगा या कुछ और चीज होगी, किसी भी चीज का पीस होगा, ठीक है? तो पीस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्लोजेस्ट का, बट अब बात क्या रही है, शी मर्डर्ड एज शी डैश डाउन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, बट शी रिमूव फ्रॉम हर शू वॉज अ डर्टी नोट ऑफ 500 रुपीज। अब डेफिनेटली जब उसे लगा कि कुछ ना कुछ है, अब कोई चीज आपके शूज में फंस जाती है, तो आप पहले क्या करोगे, जब आपको पता चल गया कुछ चीज है, तो आप उसे निकालने की कोशिश करोगे। अब निकालने के लिए वो डेफिनेटली झुकेगी ना, तो एज ही डैश डाउन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, जैसे ही वो क्या हुई, बाइंड हुई, बेंड हुई, वेंट या फिर बेंट। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, ईडी, ईडी मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डेफिनेटली शी के बाद भी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड। बैंड होता है झुकना, बैंड होता है झुकना, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बेंट, सेकंड फॉर्म भी बेंट और इसकी थर्ड फॉर्म भी बेंट। तो जैसे ही वो झुकी किस चीज को लेकर, रिमूव करने के लिए, बट शी रिमूव फ्रॉम हर शू वॉज अ डर्टी, जो मूव किया उसने अपने शू से, वो क्या था, 500 रुपीज था, एक गंदा सा नोट था, ठीक है? तो यहाँ पे बैंट इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बैंट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लें, देखो बच्चों दो क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस चलती है एस एस सी बुलेट पे, एक चलती है रात 9:30 बजे, एक रात 9:30 बजे चलती है, और एक चलती है आपकी 3:30, 3:30 बजे। ये जो दोनों ही क्लासेस हैं ये लाइव क्लासेस हैं, और ये जो लाइव क्लासेस हैं ये आपकी चलती हैं मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे 5 डेज। हर सैटरडे स्पेशल के अंदर स्पेशल क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट पे आपकी, हर सैटरडे में स्पेशल क्लासेस रहती हैं एसएससी बुलेट की, स्पेशल क्लास रहती है हर सैटरडे में, और संडे स्पेशल में आपको एक वीक मिलेगा क्लोज टेस्ट, और दूसरे वीक आपको मिलेगा पैरा जंबो। इसके अलावा एसएससी बुलेट पे मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गए, अनुसर क्लासेस लेने। आई होप आप जिस तरह से आपने इंग्लिश को सपोर्ट किया है उसी तरह से आप मैथ्स को भी करेंगे, मैथ्स के भी क्लासेस लेंगे, जैसे आप मेरी क्लासेस लेते हैं ऐसे आप सर की भी क्लासेस रेगुलर लेते रहे, और लाइव क्लासेस भी सर की मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, यानी कि मंडे मतलब कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेस, ठीक है? तो डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, कोशिश ये रहेगी कि आपको मैथ्स की भी दो क्लासेस लाइव मिले, जैसे इंग्लिश की आपको रेगुलर दो क्लासेस मिलती हुई आई है जब से एसएससी बुलेट चल रहा है तब से, ऐसे ही आपको मैथ्स की भी डेली बेसिस पे दो लाइव क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा सर छोटी छोटी क्लासेस डाल रहे हैं आपको, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं ट्रिक्स के साथ, तो उन क्लासेस को भी आप बच्चे ज़रूर लें सर की क्लास को। और बाकी जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे, और
बैच की वैलिडिटी की बात करें तो 1 ईयर है, और आप बच्चे इसके अलावा मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट की सीरीज अब आपको दोनों की मिलेगी, मैथ्स की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप बच्चे चाहते हैं लाइव क्लासेस की पीडीएफ तो आप उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएं एसएससी बुलेट के। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे, और बाकी जो भी आपकी, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपकी डिमांड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी सजेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।